हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम देखते हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का सीबीटी पेपर। तो फ्रेंड देखिए, पेपर इसी हिसाब से आएगा आपका, इसी तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और आपको सेलेक्ट करना होगा ऑप्शन। तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस गेज, इस गेज का क्या उपयोग है। पहला ऑप्शन है इसका, चेक द इंटरनल रेडियस ऑफ द जॉब, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। सेकेंड है, चेक द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल जॉब, बेलनाकार जॉब का व्यास जांचना। थर्ड है, चेक द हाइट एंड पैरेललिज्म ऑफ अ जॉब, जॉब की ऊंचाई और समांतरता जानना। डी ऑप्शन है, सेट द जॉब ऑन मशीन पैरेलल टू डेटम, जॉब को मशीन में डेटम के समांतर रखना। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, चेक द इंटरनल रेडियस ऑफ द जॉब, जॉब की आंतरिक त्रिज्या जांचना। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल, इस रेती का क्या नाम है। पहला है रेस्प कट फाइल, रास्प कट रेती, सिंगल कट रेती, एकल कट रेती। थर्ड है डबल कट रेती, दोहरी कट रेती। और फोर्थ है कर्व कट रेती, यानी कि वक्राकार कट रेती। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आंसर इसका ए ऑप्शन, रेस्प रेती, रेस्प कट रेती। ये फ्रेंड एक तो लोहे की रेतियाँ होती हैं जो लोहे को घिसने के काम आती हैं, और एक लकड़ी को घिसने वाली रेतियाँ होती हैं। तो जो लकड़ी को घिसने वाली रेती होती है उसको हम रेस्प कट रेती बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, इस औजार का क्या नाम है। तो पहला ऑप्शन है इसका फ्रेंड डिवाइडर, सेकेंड है इनसाइड कैलिपर यानी कि आंतरिक कैलिपर, चौथा है ओवर लैग कैलिपर, विषम लैग कैलिपर, और फोर्थ है आउटसाइड कैलिपर यानी कि बाहरी है कैलिपर। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर बी, इनसाइड कैलिपर। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉस्ट फॉर ट्विस्टिंग डिफेक्ट इन टिम्बर, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। पहला है डिफेक्टिव स्टोरेज, दोषपूर्ण भंडारण। सेकेंड है अनइवन श्रिंकेज, असमान सिकुड़ना। थर्ड है इम्प्रॉपर सीजनिंग, गलत सीजनिंग। और चौथा है रेगुलरिटी, इरेगुलरिटी इन ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस, शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनइवन श्रिंकेज यानी कि असमान सिकुड़ना। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ मोर्टाइज चीजल, मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग है। जर्नल सीजनिंग वर्क इन वुड, लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना। सेकंड है मेकिंग रेक्टेंगुलर होल इन वुड, लकड़ी में आयताकार छेद करना। थर्ड है पेयरिंग एंड फिनिशिंग जॉइंट इन वुड, लकड़ी को छीलना एवं फिनिश देना। फोर्थ है लाइट चीजनिंग, क्लीनिंग शार्प कॉर्नर एंड इन वुड, लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई करना। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, मेकिंग रेगुलर होल्स इन वुड, लकड़ी में आयताकार छेद करना। फिर नेक्स्ट है सिक्स्थ, विच टाइप ऑफ स्टैक इज यूज फॉर शार्प बेंड इन शीट मेटल, शीट मेटल में तेज मोड़ हेतु किस प्रकार का स्टैक उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है इसका स्क्वायर स्टैक यानी कि वर्गाकार स्टैक। सेकंड है हैच स्टैक यानी कि हैच स्टैक। थर्ड है ब्लो हॉर्न स्टैक यानी कि ब्लो हॉर्न स्टैक। और फोर्थ है बेवल एज स्क्वायर स्टैक यानी कि बेवल एज वर्गाकार स्टैक। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका हैच स्टैक। फिर नेक्स्ट है सेवन्थ क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कोल्ड चीजल इज यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थ को वर्गाकार करने के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है वेब चीजल, सेकंड है क्रॉस कट चीजल, थर्ड है हाफ राउंड चीजल, और फोर्थ है डायमंड पॉन्ड चीजल। हिंदी में देख लेते हैं इसको, जाली छेनी, सेकंड है क्रॉस कट छेनी, थर्ड है अर्धवृत्ताकार छेनी, और फोर्थ है हीरा पॉइंट छेनी। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि डायमंड पॉइंट चीजल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एट्थ, विच टाइप ऑफ कैलिपर इज यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइन अलोंग द आउटर एज ऑफ द मटेरियल, किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाओं खींचने हेतु होता है। तो पहला ऑप्शन है इनसाइड कैलिपर, सेकंड है जेनी कैलिपर, थर्ड है आउटसाइड कैलिपर, फोर्थ है स्प्रिंग पॉइंट जॉइंट कैलिपर। हिंदी में देख लेते हैं आंतरिक कैलिपर, सेकंड है जेनी कैलिपर, थर्ड है बाहरी कैलिपर, चौथा है स्प्रिंग जोड कैलिपर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फ्रेंड आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं
व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिल बिट? इस ड्रिल बिट का क्या नाम है? पहला है फ्लैट ड्रिल बिट, सेकंड है टेपर शैंक बिट, थर्ड है काउंटर शैंक सिंक बिट, फोर्थ है स्ट्रेट शैंक बिट। यानी कि पहला ऑप्शन है फ्लैट ड्रिल बिट, टेपर शैंक बिट, काउंटर सिंक बिट और फोर्थ है स्टेक शैंक बिट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आंसर नंबर बी। फिर टेंथ क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेक यूज फॉर जनरल पर्पस इन शीट मेटल वर्क? शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टेक उपयोग किया जाता है? पहला है स्क्वायर स्टेक, दूसरा है हैच स्टेक, थर्ड है ब्लो हॉर्न स्क्वायर स्टेक और फोर्थ है बीवेल एज स्क्वायर स्टेक। पहला ऑप्शन है वर्गाकार स्टेक, दूसरा है हैचेट स्टेक, तीसरा है ब्लो हॉर्न स्टेक और चौथा है बीवेल एज वर्गाकार स्टेक। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन है वो है स्क्वायर स्टेक। फिर 11th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नंबर 1.25 इंडिकेट इन ISO मैट्रिक फाइन थ्रेड? M12 इंटू 1.25 ISO मैट्रिक फाइन थ्रेड M12 इंटू 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित कराता है? तो पहला ऑप्शन है इसका डायमेट्रिक ऑफ द थ्रेड, थ्रेड का व्यास, सेकंड है पिच ऑफ द थ्रेड, थर्ड है डेप्थ ऑफ द थ्रेड और फोर्थ है लेंथ ऑफ द थ्रेड। तो हिंदी में देख लेते हैं, थ्रेड का व्यास, थ्रेड का पिच, थ्रेड की गहराई, थ्रेड की लंबाई। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, पिच ऑफ द थ्रेड, थ्रेड का पिच। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। विच डिफेक्ट विल अकर इन टिम्बर ड्यू टू इरेगुलर इन ग्रोथ ऑफ द ब्रांच? लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? पहला है नॉट यानी कि गांठ, दूसरा है कुपिंग यानी कि कपिंग, तीसरा है क्रैकिंग यानी कि चटकना और फोर्थ है ट्विस्टिंग यानी कि घूमना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड नॉट यानी कि गांठ। थर्ड है विच फाइल इज यूज फॉर शार्पिंग द ब्लंट टीथ ऑफ द टेनन सॉ? एक टेनन आरी में कंदू दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है स्क्वायर फाइल, दूसरा है राउंड फाइल, तीसरा है ट्रायंगुलर फाइल, फोर्थ है हाफ राउंड फाइल। हिंदी में देख लेते हैं, वर्गाकार रेती, दूसरा है वर्ताकार रेती, तीसरा है त्रिभुजाकार रेती और चौथा है अर्धवृत्ताकार रेती। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ट्रायंगुलर रेती।